आज शाम में अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ़ हसन, उनके ऊपर इस्लामाबाद के एक मुकामी एक मार्केट में एक टीवी चैनल के बाहर उनके ऊपर अटैक किया गया। बहुत ही नाखुशगवार वाकया, जिस तरीके से उनको मारा गया, जख्मी भी किया गया, उनके चेहरे के ऊपर ज़ख्म आए हैं जिसकी वीडियोज़ क्लिप्स अभी तक सामने मौजूद हैं। वजूहात क्या हैं ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो पता चल जाएगा, लेकिन आम तौर पर जब सियासी तौर पर बर्दाश्त ख़त्म होती जाती है तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात माजी में भी हमारे सामने नज़र आते रहे। तो एहसन इकबाल के बाजू के अंदर गोली जिसने मारी थी वो भी सियासी बर्दाश्त ख़त्म होने का ही नतीजा था, या जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी या दीगर लोगों के ऊपर स्याही फेंकी या जूते मारे गए सियासी लीडरों को, वो भी इसी तरह की अदम बर्दाश्त का नतीजा था। तो नाखुशगवार और नापसंदीदा वाकया, सियासी कुव्वतों को ऐसे मौके के ऊपर इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि एक दूसरे का तमस्कर उड़ाएँ, क्योंकि बाज़ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको निज़ाम की मजबूती की खातिर बात करनी चाहिए। अब आज उसको किसी ने मारा है, ब्लेड मारे हैं या वो घेर के उसकी पिटाई की है, तो कल किसी दूसरी जमात वाले की यही बारी आएगी। इससे गुरेज कर लिया जाए, परहेज़ कर लिया जाए या तदारुक के लिए इकदाम कर लिए जाएँ तो वो बहुत बेहतर होता है। गुज़श्ता रोज़ हमने प्रोग्राम मिसिंग पर्सन के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वाक़ा है उसके ऊपर प्रोग्राम किया था, तो आज भी उसकी कंटिन्यूशन मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी बलोच तलबा के हवाले से भी पेशी हुई और वो शायर फरहाद के हवाले से भी पेशी हुई, और उसमें जज साहब के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के काम करने के तरीकाकार को तय कर लें, तो इस इंटेलिजेंस एजेंसी काम करते रहें तो उसके ऊपर इतराज़ नहीं है, लेकिन उसका तरीकाकार वज़ा कर लें तो इसमें सबका भला होगा। ये बात दुरुस्त है, असूली तौर पर उनके जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं, SOPs हैं उनके, वो वज़ा कर लें और एक ओवरसाइट मैकेनिज़म बना लें। तो इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया भर में काम करती हैं, उनको करने दें, लेकिन एक काबिल एतराज़ चीज़ यह है कि पाकिस्तानी सरजमीन से अगर कोई मिसिंग हो जाता है तो वो चीज़ काबिल कबूल नहीं है। ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ एक बयानात की एक सिलसिला है जो पिछले एक दो रोज़ में हमारे सामने नज़र आता है, जहाँ PMLN के लोग इस वाक़े को जस्टिफाई करते हुए नज़र आते हैं। लॉ मिनिस्टर की उसके अंदर शामिल है। मुझे इसके ऊपर कुछ अफसोस, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि कोई भी जमहूरी पार्टी आके ये कहती है कि ये मिसिंग पर्सन होते रहते हैं दुनिया में, तो ये काबिल कबूल बयान नहीं होता। आम तौर पर सिक्योरिटी के इदारों को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जैसे 9/11 के वाक़ात के बाद पाकिस्तान में वो जेट ब्लैक टेररिस्ट की टर्म थी उसको वज़ा किया गया, क्योंकि ये वो लोग थे जो किसी कानून किसी दायरे के नीचे आने को तैयार ही नहीं थे, इवन जज उनके केस खुली अदालत में नहीं थे सुन सकते, सीधी सीधी धमकी देते थे। उनको पकड़ के इंटर्नमेंट सेंटर्स के अंदर बंद किया गया, उनके लिए खसूसी कवानीन के अंदर तरमीम की गई। वो एक सिचुएशन थी जिसमें आप उसको ना चाहते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं कि ठीक है संभाल नहीं सकता, ये सिक्योरिटी के इदारे हैं, इनको संभाल के बैठे हुए हैं, तो मिसिंग होता है इंटर्नमेंट सेंटर में जाता है तो आप चुप कर जाते हैं, लेकिन कोई और शख्स मिसिंग होता है, कोई सोशल एक्टिविस्ट मिसिंग होता है, कोई सियासी तौर पर मुतहरक शख्स है उसको मिसिंग किया जाता है, तो वो एक ऐसा नापसंदीदा अमल है जिससे सियासी पार्टियों की तो आवाज़ उसकी हक़ में निकलनी चाहिए कि ये क्यों पाकिस्तानी सरजमीन से गायब हुआ। माजी के अंदर नवाज शरीफ और दीगर लोग उनके हक़ में आवाज़ें उठाते रहे, लेकिन अभी क्योंकि हुकूमत में बैठे हैं इसलिए हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाना वो लगता है कि उनका फ़र्ज़ है। सुनिए कुछ बयान, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ एक जमहूरी हुकूमत है, इस जमहूरी हुकूमत के होते हुए लोग गायब हुए हैं, और फिर जमहूरी हुकूमत कहाँ है, उसका हिसाब क्यों नहीं मांगती किसी से? इशू है ज्यादा जिस पे बात हो रही है वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से है। ये वाकयात होते रहते हैं, हर मुल्क में होते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि लापता अफराद कोई इशू नहीं है, ये इनका गलत फहमी है। मैं उनको समझाऊंगा कि कौमें इस तरीके से नहीं चल सकता। हमारे जो हमसाया ममालिक और दुनिया के और ममालिक देखे जाए तो UN में इस वक्त 100 से ज्यादा ऐसे ममालिक हैं जिसमें मिसिंग पर्सन का केसेस चल रहे हैं, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, बर्तानिया है, मिसिंग पर्सन के केसेस जहां लोगों के अपने जाती मफाद या इश्यूज चल रहे हैं उनको स्टेट के ऊपर ना डाला जाए। हर केस जो है वो मिसिंग पर्सन का केस नहीं है। ये खड़ी है वो बच्ची, तीन भाई इसके लापता है, तीन भाई, खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो मैं समझता हूँ कि ये मिसिंग पर्सन को प्रोपेगेंडा टूल बना के रियासती इदारों के खिलाफ जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब है। PMLN के जो लोग इन वाकयात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो अपनी आकबत ख़राब करें। जमहूरी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए इंसानी हकूक की खातर, किसी और चीज़ की खातर नहीं उठानी चाहिए। और जो मिसिंग लिंक्स हैं, सिक्योरिटी इदारों को शौक तो नहीं आता होगा किसी को मिसिंग करने के लिए, अगर कोई सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर ऐसा काम हो रहा है तो उसके लिए लॉज कमेंट करिए, तरीकाकार को दुरुस्त करिए, और अगर कोई रूल्स को वायलेट कर रहा है तो उसको पनिश करिए। असूल तो यही है ना कि कोई रूल तोड़ता है, कानून तोड़ता है, ताकत का गलत इस्तेमाल करता है
तो उसके लिए कानून मुतहरक होना चाहिए, उसको कानून के दायरे के नीचे लाने के लिए। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरू हैं इस्लामाबाद स्टूडियो अली साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सैनिटर फैसल वाडा साहब हैं सीनियर सियासतदान, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। फैसल वाडा साहब, देखिए भाई साहब, जहाँ तक रऊफ हसन साहब की बात है, मैंने तो सैनेट में भी आज को बड़ा सख्त तरीके से कंडेम किया है, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल फिगर के लिए, ना किसी आम आदमी के लिए। ये बिल्कुल भी टॉलरेंस जो लेवल हमारा जा रहा है, और जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, उसमें नॉट ओनली के पॉलिटिशियंस का ही हाथ है, बहुत सारे और दीगर लोगों का भी हाथ है। जब आप दीगर लोग कौन देखें, अभी जिस तरह की कल आपने गुफ्तगू सुनी अदालतों के अंदर, आप पॉलिटिकल पार्टी से सुनते हैं, आप पुलिस से सुनते हैं, ये जो तरीक़ेकार है ना, इससे जो आम आदमी जो है ना, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, और उसको लगता है कि ये बनाना रिपब्लिक है, और लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रऊफ हसन की जो जजों के मतलब, कुछ जजों के मतलब, सब के मतलब नहीं, रिमार्क्स थे वो काफ़ी दायराकार से ऊपर जाके थे, हटके थे, कंटेम्प्ट के जुमरे में आते हैं, लेकिन उसके लिए कोई अदालत एक्शन ले सकती थी ना? नहीं, मैं तो ख्वाजा सरा उसको सड़क पर रोक के मारे तो वो तो कबूल नहीं। साहब, ख्वाजा सरा मारे या एक आम आदमी मारे या बच्चा मारे या बड़ा मारे, ये कॉन्सेप्ट जो है ना मारपीट का, फिजिकल वायलेंस का, या इस टाइप की चीज़ का, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर टॉलरेंस का लेवल 1% भी नहीं होना चाहिए, सिंपल एज दैट। है नहीं हमारे यहाँ, वो एहसन इकबाल को गोली लग गई थी तो उसके ऊपर भी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। देखिए नदीम मलिक साहब, जहाँ तक एहसन इकबाल साहब की आपने बात की, लेकिन कतअ नज़र के उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उन्होंने एक मौलवी साहब के मिल में मुझ पर फतवा लगवा दिया था, आपको ये बात पता है, वो ये ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो के अंदर है, मुझे फतवा लगवा दिया था उन्होंने। सो जब अगर हम मेरी मुखालफत हो सकती है आप इस शेरी साहब के साथ, लेकिन मैं फतवा नहीं डालता, इनके घर में माँ बहन बेटी गुजर रही है, और पंचर हो गया है, जिसने मारी वो गलत मारी है, नहीं प्लीज, गोली क्या या किसी को ये चीनी भी उगड़ के फेंकी हो तो ये टोटली गलत, 500% नवाज शरीफ के ऊपर लाहौर थे तो वो किसी ने जूता उठा के मारा, ये गलत तरीका है ना। इससे आप उस आदमी का कद छोटा नहीं कर रहे, अपनी असलियत और बता रहे हरकतें, किसी को आदमी छोटा बड़ा नहीं कर सकता, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अगर मैं किसी के आगे जूता रख देता हूँ, रख मार देता हूँ, या कोई स्याही फेंक, ये भी हूँ करके फेंक देता हूँ, स्याही भी फेंक, ठीक है, तो इससे आप अपने जर्फ और अपने घटियापन की बात बता रहे हैं, उसका कुछ नहीं जा रहा, वो तो मुँह साहब के अंदर निकल जाएगा, वो तो इनोसेंट है, जो भी खड़ा है वो ये खड़े हैं, मैं करूँ। देखिए मेरे साथ हमारे वहाँ ना, मैं आया तकरीर में भी आज मैंने ये कहा है कि हमारी सियासी मुखालफत तक ठीक है, मैं भी इसको अब रियलाइज़ करता हूँ, हम जानी दुश्मन नहीं बन सकते एक दूसरे के, क्योंकि हमारा जानी दुश्मनी का, मैं मुखालफत कर सकता हूँ, मुखालफत कर सकते हैं, अग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं, और यही जो बॉन्ड हमारे बीच में नहीं था पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, जैसे मैंने आज अनाउंस किया है कि शहबाज शरीफ साहब की अगर किसी ने इंटेग्रिटी एज प्राइम मिनिस्टर, एज पार्लियामेंटेरियन क्वेश्चन किया, तो मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हूँ। यही मैंने कहा पीटीआई के लिए, एमक्यूएम के लिए, अगर इस सेनेटर के साथ कुछ होगा तो अगला सेनेटर आगे खड़ा होगा, नॉट कि सेनेटर है, आपके पास को पछता होगा तो हम पाकिस्तानी साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर आप यूं करके बुलाएंगे मुझे तो फिर यूं होगा। आप ये इज्जत एक वाहिद चीज़ है जिसमें आप किसी के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपसे इज्जत से बात करूंगा, मुझे डबल इज्जत वापस करेंगे। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि कोई बातें स्टेटमेंट दे के, रिमार्क्स पास करके कोई बहुत बड़ा तुरम खान बन जाता है, कोई तुरम खान नहीं होता। देखिए इमरान खान के केस चल रहे हैं जी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज तैरियन वाइट वाले केस को उन्होंने उठा के तो बाहर फेंक दिया, कल साइबर वाला मामला लगा हुआ है, अंजाम इन केसेस का अच्छा नहीं होना, और मुझे लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी जो टसल है ना, इसमें आप लोग उसको और पंप कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को चैलेंज करते हैं जज को बैठ के, पहले चैलेंज नहीं किया इन्होंने, खोसा इन्हें पहले याद नहीं आया, सागिब निसार भी पहले याद नहीं आया, अभी अचानक इन्हें 10 साल बाद याद आया, उस वक्त भी याद आया, हमारे 3 बंदों को निकाला, टॉलरेंस थी ना, ये टॉलरेंस दे करना, आपने हर आदमी को एक लेवल और लिमिट और बॉर्डर लाइन से 10 गुना आगे इजाज़त दे दी। देखिए ये बात ठीक है, मैंने आज तकरीर में भी ये बात की, सिसेरियन माफिया इन्होंने तो उस वक्त नहीं उठाया, मेरे पे प्रॉक्सी लगाया एक सिटिंग जज ने, अतरमल्ला ने जस्टिस, अगर आप कोई कानून नहीं है कि एक जज किसी, मैं और आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जज नहीं लगा सकता, उसकी इंडियन हेडलाइंस बनी है, उसकी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी है, ठीक है जी, अब आपकी जरूरत कैसे हुई, चाहे वो जज है या आप जरूरत कैसे हुई कि आप मुझे प्रॉक्सी कह रहे हैं, अगर आप जरूरत है तो आगे बढ़ के जरूरत दिखाएं कि सब सबूत रखें, वरना मैं जरूरत दिखाऊंगा। आपको नोटिस हुआ है ना, जाएंगे तो वहाँ जाके सवाल जवाब होगा, जवाब देना पड़ेगा, वो तो मुझे कंटेम्प्ट में बुलाया, प्रॉक्सी पे नहीं बुलाएगा, वो तो मुझे घुमा फिरा के ले आए हैं कंटेम्प्ट में, मतलब मैंने आज कहा रऊफ हसन साहब के साथ हुआ है, शुक्र है मैं सेनेट में था, वरना किसी घर में नान देर से पहुंचा फैसल बावड़ा, जिन्होंने कंटेम्प्ट किया, मौलाना साहब ने घेरा लगाया सुप्रीम कोर्ट का, कहा हम जजों को घसीटेंगे,
अरेस्ट भी था, कंटेम्प्ट भी था, नहीं था। पीटीआई के ने गलत जबान इस्तेमाल की, गलाजत इस्तेमाल की, नाम लेकर इस्तेमाल की, कोई कंटेम्प्ट नहीं था। मेरा इन जनरल बात करने पे काय घुमा, उसमें मैं ये समझता नहीं कि मुझे घुमा के कंटेम्प्ट में ले आए। मुझे लगता है कुछ लोगों ने प्रीएम्प्ट कर लिया है कि मैं मवाद के साथ आगे बढ़ाऊँ। आज जो मैंने टेस्ट ट्रायल दिया है, जो आज मैंने चीज़ें शवायद के साथ दी हैं, देखता हूँ उसका रिजल्ट क्या आता है। ये शवायद मैं रुकूंगा तो नहीं, इतने शवायद हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें अगर दिन रात काम करेंगी ना तभी एक साल लग जाएगा। आपने कहा 9 मई में जनरल फैज का रोल है, क्या कहा आपने एग्जैक्टली? देखिए नदीम मेरे साहब, क्योंकि 9 मई का केस किसी ना किसी स्टेज पे तो खड़ा होना है, खुलना है, तो मुनासिब तो तब होगा जब मैं बाद में बहुत डिटेल में बात करूँगा। लेकिन ये बात बिल्कुल की वजह है कि मैंने ये कहा कि उसकी प्लानिंग के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, जनरल फैज की और किसकी है। अब वो तो जब 9 मई आएगा तो अभी तो हम जो मेन जिस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, 9 मई आएगा तो 9 मई की आप कहते हैं 9 मई की प्लानिंग में जनरल फैज की इन्वॉल्वमेंट है क्या? तो जब आएगा 9 मई का केस वाकई, जब उस टाइम पे हम आएंगे तो जनरल फैज वाज नो मोर इन आर्मी एट द टाइम ही वाज रिटायर्ड। यू नीड टू, यू डोंट नीड टू बी इन द आर्मी। तो फिर उसका आप जब आर्मी में थे तो आप क्या करते रहे, बाहर आर्मी निकल के? अगर प्राइवेट सिटीजन के तौर पर उसकी कोई सियासी एफिलिएशन थी तो उसके ऊपर तो आप कैसे कर सकते? देखिए नदीम भाई साहब, ये तो जब 9 मई का वाकया खुलेगा तो उस वक्त बात होगी ना कि किस वक्त आप हाजिर सर्विस थे और किस वक्त हाजिर सर्विस नहीं थे, उस वक्त क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, तो बहुत। लेकिन आपने ये जुमला कहा कि उसको 9 मई में सजाए मौत देनी चाहिए। ट्रेटर के ऊपर तो सजा मौत होती है ना, तो ये आपने कहा मुल्क के साथ गद्दारी हो, गद्दारी अगर हो मुल्क के साथ, आइन के साथ, अपने इदारे के साथ, मुल्क के साथ, बिल्कुल ट्रेटर क्या होता है? आपने उसको गद्दार क्यों कहा एज ए ट्रेटर? भाई दिस इज मेरी एनालिसिस है बेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स, काफी मतलब पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, मैं इसको दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपके पास कोई एविडेंस होनी चाहिए। मैंने तो आज तकरीर छोटे सा भी तो एक टेस्ट केस भेजा, मैंने उसके भी एविडेंस लगाए। एविडेंस के बगैर ये नहीं कह सकता मेरे पास 100% एविडेंस है, बट एविडेंस के बगैर मैं कोई बात करता नहीं। इसकी एविडेंस है आपके पास? सर आप देखेंगे अभी बहुत कुछ होना है, उस इदारे के पास एविडेंस होनी चाहिए तो उसको तो प्रोसीड करना चाहिए। सर देखते चले जाए ना सर, साहबजादा साहब और बाकी लोगों से 9 मई का सबूत ढूंढ रहे हैं, तो भाई तोरण सबसे पहले काम इस पे आगाज करना चाहिए। जब तक हमारी अदालती निजाम ठीक नहीं होगा फिर इसमें अदालतें आ जाएंगी। अदालतें जब ठीक काम करेंगी ना, अदालत ने 9 मई में कल इमरान को बरी किया। देखिए बरी कर दिए, उनकी सवाब दी है, उनके पास होगा प्रूफ नहीं होगा, ठीक है? अगर ये फेवरिज्म ट्रोलिंग है तो जनरल फैज का सबूत देना चाहिए। मैं क्यों दे दूं, हर चीज मैं दे दूं, जब जज जरा भी तो कुछ कर लें। जब वैसे तो वो हर छोटी चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन खुद तो नहीं करनी ना, उसने तो सबूतों के ऊपर फैसला देना। उनके पास तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, प्रॉक्सी जैसा लफ्ज लगा देते हैं जो जज कोई नहीं करता। जनरल फैज का सबूत किसके पास होगा, कौन प्रोसीड करेगा? नहीं मेरे साहब आप अभी उस जंप क्यों करेंगे इनको, आप बिल्कुल आपको आप यू विल बी इन्फॉर्म। देखिए हम सबको मिलकर रिफॉर्म्स करके सबको बजाय कोलाइड करके आपस में चलना चाहिए, बनस्बत के हम टकराव की सूरत में जिसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है। सबको सबके ईगोज हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मेरी भी है। अगर हम एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट खींचने के चक्कर में रह जाएंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। एक स्टेप सबको पीछे हटना पड़ेगा, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी और यूनाइटेड होकर पाकिस्तान के लिए चलना पड़ेगा। दैट्स द वे फॉरवर्ड। इफ यू डोंट वांट टू डू इट, एक लाइन कह सकते हैं, दो सिर्फ बंदे, जस्टिस राणा भगवान दास और जस्टिस कार्नेलियस, एंड शेम फॉर अस बोथ फॉर नॉन मुस्लिम्स। उसके बगैर आप पाकिस्तान का जितना जुडिशियल सिस्टम है उसे निकाल के देख लें, वी डोंट हैव अ गुड प्रेसिडेंट एंड वी डोंट हैव एनीथिंग। हामिद रजा साहब, सेनेटर फैसल वोडा साहब, आबिद शेर अली साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।